का माता जी। 22 फरवरी 1968 का अ स्मॉल क्लास डेटेड 22 फरवरी 1968। सबसे नई बात है कि श्रीमद परसक्यू की स्थापना हम बच्चे कर रहे हैं। The newest thing is that we children are establishing the golden age Satyug by following Srimat. जैसे गांधी जी के लिए कहते थे What? Just as people used to say about Gandhi ji कि हम गांधी जी मत पर चल करके राम राज्य स्थापन करें। We will establish the Ram Rajya, Kingdom of Ram, by following the advice of Gandhi. परंतु गांधी जी श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ थे क्या? But was Gandhi ji the highest on high? गांधी जी से श्रेष्ठ दुनिया में और कोई नहीं होता क्या? Isn't there anybody greater than Gandhi ji in the world? होता है कि नहीं होता है? होता है। Is there anyone or not? There is. गांधी जी भी किसको याद करते थे? Whom did even Gandhi ji used to remember? अरे अपने से श्रेष्ठ को याद करते थे। अरे did he used to remember someone who was greater than him? कि गांधी जी ही श्रेष्ठ थे। गांधी जी किसको याद करते थे? और was Gandhi ji himself the most elevated? Whom did Gandhi ji used to remember? राम को याद करते थे। He used to remember Ram. रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम अ प्रेज इन द नेम ऑफ लॉर्ड राम। तो राम राज्य राम ही लावेंगे। सो विल राम हिमसेल्फ ब्रिंग द किंगडम ऑफ राम राम राज्य या गांधी जी की मत पर राम राज्य स्थापन होगा? और विल द किंगडम ऑफ राम बी एस्टेब्लिश्ड थ्रू द ओपिनियन ऑफ गांधी जी? राम ही राम राज्य ला सकते हैं। राम अलोन कैन ब्रिंग अबाउट द किंगडम ऑफ राम। राम ही राम मंदिर बनावेंगे। राम हिमसेल्फ विल बिल्ड द टेम्पल ऑफ राम। राम का घर कोई और नहीं बना सकता। नोबडी एल्स कैन बिल्ड राम्स हाउस। राम का घर राम राज्य में होगा या रावण राज्य में होगा? विल राम्स हाउस बी इन द किंगडम ऑफ राम और इन द किंगडम ऑफ रावण? राम राज्य में होगा। It will be in the kingdom of Ram. तो पक्का कर लेना चाहिए बुद्धि में। So it should be made firm in the intellect. ये हम राम राज्य स्थापन नहीं कर रहे हैं। That we are not establishing Ram Rajya. क्या? हम कोई ब्रह्मा की मत पर राम राज्य स्थापन नहीं कर रहे हैं। What? We are not establishing Ram Rajya on the directions of Brahma. ब्रह्मा अगर ऊंचे ऊंच होता If Brahma was the highest on high, तो मंदिरों में उसकी पूजा होती। Then he would have been worshipped in the temples. मूर्तियाँ बनती। There would have been idols made of him. मंदिर बनाए जाते। Temples would have been built for him. लेकिन ऐसा नहीं है। But it is not the case. इससे साबित होता है कि दुनिया में जिसकी सबसे जास्ती मूर्तियाँ मिल रही है। It proves that the one whose idols are being found in maximum numbers in the world, जिसके सबसे जास्ती मंदिर मिल रहे हैं, whose temples are being found in maximum numbers, और जिसकी सबसे जास्ती पूजा होती है, and who is worshipped more than anyone else, वो ही भगवान का स्वरूप है। वो कौन है? Is himself the form of God. Who is that? शिवलिंग। Someone said something. A शिवलिंग। दुनिया में सबसे जास्ती लिंगाकार मूर्तियाँ पाई गई है। The link shaped idols have been found in maximum numbers in the world. लिंगाकार का मतलब ये नहीं है। लिंग शेप डज नॉट मीन कि वो हाथ पांव वाला नहीं था। That he did not have arms and legs. क्या? हाथ पांव वाला तो था। What? He did have arms and legs. हाथ पांव होते हुए भी ऐसी तेज धारण कर रखी थी। In spite of having arms and legs, he had achieved such a stage. बाप की याद में
कि वो बाप समान बन गया. इन द रिमेम्ब्रेंस ऑफ द फादर दैट ही बिकेम इक्वल टू द फादर. निराकारी स्टेज वाला बन गया. ही अचीव्ड द इनकॉर्पोरियल स्टेज. इसकी यादगार शिवलिंग दिखाई जाती है. हुज मेमोरियल इज शोन इन द फॉर्म ऑफ अ शिवलिंग. बाकी शिवलिंग परमपिता परमात्मा बाप कोई इतना बड़ा नहीं होता. एज फॉर द रेस्ट शिवलिंग द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल फादर इज नॉट सो बिग. इतना बड़ा होता है. हाउ बिग इज ही? वो भी ज्योति बिंदु है. ही टू इज अ पॉइंट ऑफ लाइट. बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु. द फादर ऑफ द पॉइंट लाइक सोल्स इज अ पॉइंट ऑफ लाइट. परंतु वो जिसमें प्रवेश करता है. बट थ्रू द वन हुम ही एंटर्स. और प्रवेश करके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करता है. ही परफॉर्म्स द मोस्ट एलिवेटेड टास्क. जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य है. अ टास्क सो एलिवेटेड. उसका स्वरूप के सिवाय दुनिया में और कोई नहीं कर सकता. दैट नोबडी इन द वर्ल्ड कैन परफॉर्म इट एक्सेप्ट दैट फॉर्म. कौन सा श्रेष्ठ कार्य है जो दुनिया में और कोई धर्म पिता नहीं कर सकते. Which is the elevated task that no other religious father in the world can perform? वो ऊंचे से ऊंचे बाप ही करके जाता है. Only the highest on high father performs that task and goes. क्या? नरक को स्वर्ग बनाने का कार्य. What? The task of transforming hell into heaven. पंच को पावन बनाने का कार्य. The task of purifying the sinful ones. सारी पतित दुनिया को पावन बना कर दी जाता है. He purifies the entire sinful world and goes. और अकेला वो कार्य नहीं करता है. And he does not do that task alone. अकेला करता है क्या? Does he do it alone? नहीं. Someone said along with the children. No. अकेला चना कभी बाढ़ नहीं फोड़ सकता. No one can accomplish a big task alone. क्या? ये दुनिया भाड़ है. What? This world is bhad, that is hell. क्या? बहुत बड़ा hell है. Hell. What? It is a very big hell. Hell माने भाड़. Hell means bhad. ये दुनिया को खत्म करना अकेले का काम नहीं है. To end this world is not the task of just one. उसके लिए बाप के बच्चे चाहिए. For that, the father's children are required. बाप है आत्मा. The father is a soul. तो बच्चे भी क्या चाहिए? Then, what kind of children are required? देवन वाले चाहिए या आत्मा चाहिए? Are body conscious ones required or are souls required? आत्मा रूपी बच्चे चाहिए. Soul like children are required. आत्मा में और परमपिता में अंतर क्या है? What is the difference between a soul and a supreme father? आत्मा है जन्म मरण के चक्र में आने वाली. Souls come in the cycle of birth and death. और परमपिता जन्म मरण के चक्र में आने वाला. And the supreme father does not come in the cycle of birth and death. आत्मा है सब भोगता है. All souls are bhokta, those who experience pleasures and sorrow through bodily organs. Koi kam bhogi aur koi jaasti bhogi. Some are less bhogi and some are more bhogi. Koi atma, koi dharm guru, koi dharm pita ye nahi keh sakta. No soul, no religious guru, no religious father can say ki hum abhokta hai. I am abhokta, the one who doesn't experience pleasures and sorrow through the body. कहेगा? Will anyone say this? कह ही नहीं सकता. They cannot say it at all. सब आत्माएं भोगी. All souls are bhogi. और एक ही है जो अभोक्ता है. And there is only one who is abhokta. आत्मा एक ही अभोक्ता है. Only one soul is abhokta. और वो अभोक्ता ऐसा संसार की बड़े से बड़े भोगी आत्मा में प्रवेश करती है. And that abhokta enters the body of the most bhogi soul in this world. क्या बात हुई? What is this? बड़े से बड़े पतित में प्रवेश करती है.
डज ही एंटर द मोस्ट सिंफुल वन या थोड़े पति तुम्हें प्रवेश करती है और डज ही एंटर अ लेस सिंफुल वन दुनिया के बड़े से बड़े पति मनुष्य में प्रवेश करती है ही एंटर्स द मोस्ट सिंफुल ह्यूमन बींग इन द वर्ल्ड जो जितना जाती कलयुग के अंत में पतित बनता है द वन हु बिकम्स द मोस्ट सिंफुल वन एट द एंड ऑफ द आयरन एज वो इस सतयुग के आदि में सबसे जाती पावन बनता है हिमसेल्फ बिकम्स द प्योरेस्ट वन एट द बिगनिंग ऑफ द गोल्डन एज तो वो सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पर आता है सो व्हेन दैट सुप्रीम सोल कम्स इन दिस वर्ल्ड तो पतितों से घृणा करके आता है क्या डज ही कम विथ हेट्रेड इन हिज माइंड फॉर द सिंफुल वंस पतितों से घृणा करके आता है क्या डज ही कम विथ हेटेड इन हिज माइंड फॉर द सिंफुल वंस नहीं पतितों से घृणा नहीं करता नो ही डजंट हेट द सिंफुल वंस पतितों को गले लगाता है ही एम्ब्रेसेस द सिंफुल वंस घृणा किससे करता है हुम डज ही हेट कामी से घृणा नहीं करता क्रोधी से घृणा नहीं करता ही डज नॉट हेट द लस्टफुल वंस Kami, he does not hate the angry ones, Krodhi. Lobhi mohi se ghrana nahi karta. He does not hate those who are greedy or have attachment. Ahankariyon se ghrana. He hates the egoists. Aur ghrana bhi kaisi? Nahi. And what kind of a hatred is it? Someone said Ravan. No. Andar ka pyar aur bahar ka pyar. वो कोई समझ नहीं सकता नो बडी कैन अंडरस्टैंड द इनर एंड द आउटर लव क्या बाप के पास अंदर का प्यार रहता है बाहर का प्यार नहीं रहता वॉट द फादर पोजेसेस इनर लव नॉट आउटर लव प्यार के चित्र में देखो लुक एट द पिक्चर ऑफ द कल्पत्री लेफ्ट साइड की जो सबसे बाद वाली जड़ है द लास्ट रूट ऑन द लेफ्ट साइड नास्तिक धर्म की जड़ विच इज द रूट ऑफ द एथिस्ट नास्तिक रिलीजन वो सबसे नजदीक है या सबसे दूर है इज इट लोकेटेड द नियरेस्ट और द फादरेस्ट टू द फादर सबसे नजदीक है इट इज द नियरेस्ट तो दिखाने के लिए सबसे नजदीक सो फॉर द सेक ऑफ शोइंग इट इज द नियरेस्ट और अंदर से सबसे जाती है बट इंटरनली इट इज द फादरेस्ट अवे बाप जिस उद्देश्य को लेकर इस दुनिया में आता है द पर्पज फॉर विच द फादर कम्स इन दिस वर्ल्ड राजयोग सिखा करके राजाई देने के लिए आता है ही कम्स टू गिव द किंगशिप बाई टीचिंग राजयोग वो राजाई नास्तिक धर्म वालों को नसीब नहीं होती People belonging to the atheist religion are not fortunate enough to obtain that kingship. तो कामियों को प्रेफरेंस मिल जाता है सो द लस्टफुल वंस गेट द प्रेफरेंस दुनिया में जितने भी विधर्मी है उन विधर्मियों में सबसे जास्ती महाकामी धर्म कौन सा है विच इज द मोस्ट लस्टफुल रिलीजन अमंग ऑल द विधर्मीज Those who have inculcations opposite to that said by the father in the world? Islam. The Islam religion. और सबसे जास्ती राजाई किसने की है नरक की दुनिया में? And who has ruled for the maximum time in the hellish world? Islam धर्म ने की. The Islam religion has ruled. तो wonderful बात हो गई. So it is a wonderful thing. इतने लंबे समय तक राजाई और कोई धर्म ने नहीं की नो अदर रिलीजन हैज रूल्ड फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड भगवान पवित्रता स्थापन करने आता है डज गॉड कम टू एस्टैब्लिश प्यूरिटी या अपवित्र बनाने के लिए आता है और डज ही कम टू मेक अस इम्प्योर आता तो पवित्र बनाने के लिए ही सर्टनली कम्स टू मेक अस प्योर लेकिन अपवित्र से घृणा नहीं करता But he does not hate the impure ones. कैसा भी है बच्चे नहीं He even says, children, someone said the father has come. No. कामी को पतित कहा जाता है A lustful one is called a sinful one. क्रोधी को पतित नहीं कहा जाता But the one who is angry is not called a sinful one. माना क्रोधियों को पावन बनाने के लिए आता है इट मीन्स दैट
डज ही कम टू प्यूरिफाई द एंग्री वंस? या कामी जो पतित होते हैं, महाकामी महापतित, उनको पावन मनाने के लिए आता है। और डज ही कम टू प्यूरिफाई द लस्टफुल वंस हु आर सिनफुल, हु आर द मोस्ट लस्टफुल एंड द मोस्ट सिनफुल? जो कामी होते हैं उनको, जो पतित कहे जाते हैं उनको पावन बनाने के लिए। He comes to purify the lustful ones, who are called the sinful ones. कोई कहे ये तो बड़ी अच्छी बात है। Then someone may say, this is a very good thing. बाप पतितों को तो घृणा नहीं करता। The father does not hate the sinful ones. तो भूख पतित बन गए। नहीं। So let us become more sinful. No. भगवान बाप आकर के लक्ष्य देते हैं। God the Father comes and gives us an aim. क्या लक्ष्य देते हैं? What is the aim that he gives? नर से नारायण बनना। We have to transform from a man to Narayan. नर पतित को कहा जाता है। A sinful one is called Nar, that is man. और नारायण पावन को कहा जाता है। And a pure one is called Narayan. तो जो नारायण बनने का लक्ष्य लेने वाला है, So the one who aims to become Narayan, उसके अंदर लक्ष्य होगा तो लक्षण कैसे आवेंगे? When he has an aim, what kind of characteristics will be seen in him? पावन बनने के लक्षण होंगे। Will he show the signs of becoming pure? या पतित बनने के लक्षण होंगे? पावन बनने के लक्षण होंगे। Or will he show the signs of becoming sinful? He will show the signs of becoming pure. अगर लक्ष्य नहीं लिया है, If he has not set a goal, तो लक्षण नहीं आ सकते। Then the signs cannot be seen. ज्ञान में आने के बाद, बाप को पहचानने के बाद, After entering the path of knowledge, after recognizing the father, जो जितना जल्दी लक्ष्य को धारण कर लेता है, The sooner someone sets the goal, कि हमको नर से नारायण जैसा बनना है, We have to become like Narayan from a man, वो उतना ही जल्दी लक्ष्य को प्राप्त करने से ऊंच बन जाता है। The sooner he becomes elevated because of achieving the goal. लक्ष्य की महिमा। The praises of the aim. लक्ष्य हीन है, तो लक्षण हीन बनेगा। If he is aimless, he will not show any signs of it. लक्ष्य धारण करता है, तो लक्षण दिखाई देने लगेंगे। If he sets a goal, then the signs will begin to become visible. ये बोला। That is why it was said. ड्रामा के प्लान अनुसार और कलप पहले मुआफिक बच्चे श्रीमत को धारण कर रहे The children are assimilating श्रीमत according to the drama plan and like in the previous cycle, kalpa. किसकी श्रीमत? Whose श्रीमत? जो ऊंचे ऊंचे पाठधारी है, उस ऊंचे ऊंचे पाठधारी को पहचान करके ऊंचे ऊंच की मत को They are imbibing the opinion of the highest on high by recognizing the one who is the highest on high actor. बच्चों की बुद्धि में है। It is in the intellect of the children. कि नई दुनिया कैसी होगी? What will the new world be like? सत्युग में तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। In the golden age, there will be only one आदि सनातन देवी देवता धर्म, the ancient deity religion. दूसरा कोई धर्म? नहीं होगा। There will be no other religion. ब्राह्मण इस बात को अच्छी रीति जानते हैं। The Brahmins know this very well. क्या? ये जो नई दुनिया होगी, उसमें एक ही धारणा के ऊपर सारे चलेंगे। What? They know that in the new world, everyone will follow the dharana, that is ways of one. एक राजा की जो धारणा होगी, उसको सब फॉलो करेंगे। Everyone will follow the ways of the one king. मान लो नर से नारायण बनने वाला हो। Suppose the one who transforms from a man to Narayan. या सत्युग में प्रिंस बनने वाला नारायण बनता हो। Or the one who transforms from prince to Narayan in the golden age. इसकी जो धारणा होगी। Whatever dharana, that is inculcation he has. इस धारणा क्या होती है? देवताओं की। What is the special dharana of the deities? स्वर्ग में जो देवताएं होती है उनकी विशेष धारणा क्या होती है जो नरक में मनुष्यों की नहीं होती? What is the special dharana of the deities in heaven that is not of the human beings in hell? है?
समवन सेड प्यूरिटी कैसी वॉट काइंड ऑफ प्यूरिटी समवन सेड वन फादर एंड नन एल्स यस जो प्रश्न है उसकी दृष्टि राधा में डूबेगी कृष्ण विल एक्सचेंज गेजेस ओनली विथ राधा और राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी उसको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम एंड राधा विल एक्सचेंज गेजेस ओनली विथ कृष्ण दैट इज कॉल्ड मर्यादा पुरुषोत्तम द हाइएस्ट अमंग दोज हु फॉलो द कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो भी देवताएं होंगे सब मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे इसको फॉलो करेंगे ऑल द डिटेल्स विल बी मर्यादा पुरुषोत्तम होम विल दे फॉलो यथा राजा इसको फॉलो करेंगे As the king, so shall be the subjects. Whom will they follow? जो उनका राजा नारायण होगा नारायण राजा को ही सब फॉलो करेंगे Everyone will follow only their king, नारायण जो नारायण की धारणा है मर्यादा पुरुषोत्तम की The धारणा of नारायण in being मर्यादा पुरुषोत्तम वो विशेष धारणा प्रजा में एक एक की will be visible especially in every subject. कोई भी विपरीत धारणा में चलने वाला नहीं होगा Nobody will follow an opposite manner. उस बात को ब्राह्मण लोग अच्छी जानते हैं अच्छी तरह जानते हैं द ब्राह्मण्स नो दिस वेरी वेल बाप ने समझाया है The father has explained. नई दुनिया में नया राज्य There will be a new kingdom in the new world. क्या? राज्य भी नया और राजा भी नया होगा What? The kingdom as well as the king will be new. इस पुरानी दुनिया का कोई भी राजा नहीं होगा No king from this old world will be there. पुरानी दुनिया ही नहीं होगी The old world itself will not exist. ये तो सबको खुशखबरी सुनानी चाहिए दिस गुड न्यूज शुड बी सर्टेनली गिवन टू एवरी वन हम फिर से ये राज्य स्थापन कर रहे हैं वी आर एस्टैब्लिशिंग दिस किंगडम वंस अगेन बाबा ने कहा था प्रभात फेरी निकालो बाबा हैड सेड टेक आउट द प्रभात फेरी दैट इज ग्रुप्स गोइंग अराउंड एन एरिया इन द मॉर्निंग टू स्प्रेड द गॉडली मैसेज सबको बधाइयां दो Congratulate everyone. Shiv Baba, Paramita, फिर से ये राज्य स्थापन कर रहे हैं. Shiv Baba, the Supreme Father is establishing this kingdom once again. नटशेल में समझाना चाहिए. You should explain in a nutshell. कि पवित्र देवी देवताओं का राज्य था. That there was a kingdom of pure deities, देवी देवताएं. अभी वो पवित्र देवताएं नहीं हैं. Now those pure deities do not exist. बाजी से पुण्य के चित्र मिलते हैं. बट ओनली देयर पिक्चर्स आर अवेलेबल कहाँ मिलते हैं वो चित्र कहाँ से उठाए वेयर आर दे फाउंड फ्रॉम वेयर वर दोस पिक्चर्स कलेक्टेड आज से 2000 साल पहले अजंता एलोरा एलिफेंटा आदि की गुफाओं में जो चित्रकारी की थी चित्रकारों ने कलाकारों ने वहाँ से वो चित्र उठाए Those pictures were collected from the caves of Ajanta, Ellora, Elephanta, etc., where the painters, the artists had painted the pictures 2000 years ago. उन चित्रों के आधार पर शास्त्र बनाए गए. Then scriptures were prepared on the basis of those pictures. और शास्त्रों के आधार पर सारी दुनिया में वो चित्र फैल गए. And on the basis of the scriptures, those pictures spread in the entire world. अभी बेहद का बाप कहते हैं अपना गवाया हुआ राज्य ले लो नाउ द अनलिमिटेड फादर सेज टेक योर लॉस्ट किंगडम तुम्हारी खुशखबरी ही है इट इज इंडीड गुड न्यूज फॉर यू और है भी सहज राज्य एंड इट इज सर्टेनली इजी राजयोग तुमको बाप से स्वर्ग का वरदान यू ऑब्टेन द इनहेरिटेंस ऑफ हेवन फ्रॉम द फादर यदि के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है वॉट यू ऑब्टेन द इनहेरिटेंस ऑफ हेवन फ्रॉम द अनलिमिटेड फादर और 63 जन्मों में हद के बाप से कौन सा वर्षा लेते हैं एंड विच इनहेरिटेंस हैव यू बीन ऑब्टेनिंग फ्रॉम द लिमिटेड फादर फॉर 63 बर्थ्स नारकीय वर्षा लेते हैं यू हैव बीन ऑब्टेनिंग द इनहेरिटेंस ऑफ हेल शिव जयंती मनाते हैं पीपल सेलिब्रेट शिव जयंती द बर्थडे ऑफ शिव शिव बाबा आते भी हैं संगम युग पर द फादर शिव कम्स इन द कॉन्फ्लुएंस एज अलोन क्या सिर्फ संगम युग पर नहीं आते
What? He doesn't come just in the confluences. In which age does he come? Someone said something. He comes in the Purushottam Sangam Yuga, that is the elevated confluence age. What should you remember? You should not remember just the confluence age, that is Sangam Yuga. Sangam Yuga ke saath saath purusho mein uttam kon hai? Uttam ke uttam paanch dhari kon hai? Wo bhi mujhe yaad aana chahiye. Along with Sangam Yuga, you should also remember through the intellect the one who is elevated among the souls, the one who is the most elevated actor. Uttam ke uttam purusho devi devata hain. The most elevated souls were the deities themselves, whose pictures are available. Big and magnificent temples have been built for them in India. Which temple is the magnificent temple? The magnificent temples of Lakshmi and Narayan have been built. शास्त्रों में उनकी कोई ग्लानी नहीं. They have not been defamed at all in the scriptures. 33 करोड़ देवताओं में से सबकी ग्लानी है. क्या? Among the 33 crore, that is 330 million deities, everyone has been defamed. What? हर एक देवता में कोई न कोई डिफेक्ट रहा है. There has been some or the other defect in every deity. और उस डिफेक्ट के आधार पर उनकी ग्लानी. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिफेक्ट दे हैव बीन डिफेम्ड. जैसे कृष्ण के लिए कहते हैं कृष्ण काला. फॉर एग्जाम्पल इट इज सेड फॉर कृष्ण डार्क कृष्ण. तो कोई काला कर्म किया होगा. सो ही माइट हैव परफॉर्म्ड सम डार्क एक्शन. ये नहीं किया होगा. और वुडंट ही हैव डन इट. अरे कृष्ण ने कोई काला कर्म किया होगा कि नहीं किया होगा.